नसों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल पिघला सकती हैं ये 5 हरी पत्तियां, आयुर्वेद में माना गया ही है रामबाण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके द्वारा खाया जाने वाला खाना आपके HDL को बढ़ाना चाहिए और HDL कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहिए। कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन को खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, क्योंकि हाई LDL वाले जैसे हार्ट डिजीज से लेकर ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक तक के लिए जिम्मेदार होता है। LDL स्तर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका संतृप्त वसा वाली चीजों को खाने से बचा जाए। दूसरी ओर HDL कोलेस्ट्रॉल ब्लड से LDL कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है, जिससे हार्ट बेहतर काम करता है। HDL के स्तर को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका असंतृप्त वसा वाले खाद्य पदार्थों के साथ साथ साबुत अनाज, फलियां और पौधे का सेवन बढ़ाना है। असल में कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा है जो शरीर के लिए कोशिकाओं और हार्मोनों का निर्माण का काम करता है, लेकिन जब इसका स्तर शरीर में बढ़ना लगता है तो कई स्वास्थ्य समस्याएं भी सामने आने लगती हैं। अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे हैं तो आपके लिए आयुर्वेद में बताई गई इन हरी पत्तियों को रोज खाना या इनका रस लेना शुरू कर देना चाहिए। कई अध्ययनों में मेथी के बीज और पत्तियां, तुलसी, करी पत्ते जैसे कई और सब्जियों के पत्ते कोरोनरी रोग की रोकथाम के लिए दवाओं के विकल्प के रूप में बहुत ही कारगर। तो चलिए जाने कौन से पत्ते आपकी नसों में जमे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। पहला है करी पत्ता। करी पत्ता शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत प्रभावी है। ऐसा है इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट के कारण होता है, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है। करी पत्ते के फायदे पाने के लिए आप रोजाना 8 से 10 पत्तों का इस्तेमाल खाना बनाने में कर सकते हैं। आप इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं, लेकिन पहले अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। अगला है धनिया के पत्ते। धनिया की पत्तियों का इस्तेमाल हर घर में खाना बनाने में किया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि यह खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ सेहत को बेहतर बनाने में भी बहुत फायदेमंद है। इसके नियमित सेवन से आप हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। धनिया की पत्तियों को सलाद में डाला जा सकता है या चटनी बनाकर भी खाया जा सकता है। अगला है जामुन के पत्ते। अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए घरेलू उपाय ढूंढ रहे हैं तो जामुन की पत्तियां आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। दरअसल इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंथोसाइनिन जैसे गुण होते हैं जो नसों में जमा वसा को कम करने का काम करते हैं। जामुन की पत्तियों का सेवन पाउडर के रूप में किया जा सकता है, या फिर आप इसकी चाय या काढ़ा बनाकर दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। अगला है मेथी। अध्ययनों में मेथी के पत्तों में मौजूद औषधीय गुणों को शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को सुधारने के लिए दिखाया गया है। ऐसे में आप अपने कोलेस्ट्रॉल को सामान्य करने के लिए मेथी के पत्तों का सेवन कर सकते हैं। मेथी के पत्तों को आप सब्जी के रूप में खा सकते हैं, जिसे अक्सर हरी सब्जियों की रानी कहा जाता है। यह पत्तेदार साग विटामिन A, C, K के सहित विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। इसमें फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भी उच्च मात्रा में होती है, और यही कारण है कि ये LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। बात करते हैं केले को खाने का तरीका। आप रोज सुबह खाली पेट केले की पत्तियों का जूस पी लें या इसे सलाद के रूप में खाना शुरू करें। शुरुआत हमेशा कम मात्रा से ही करें।